दीपावली से पहले करोड़ों किसानों के घर लक्ष्मी दस्तक देने वाली है। पीएम मोदी 18वीं किस्त के जरिए करोड़ों किसानों के घर 2,000 रुपए भेजेंगे, जिसकी चर्चाएं अभी से ही होने लग गई हैं। इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर कब 18वीं किस्त जारी होने वाली है और इस बार पीएम मोदी किस राज्य से 18वीं किस्त जारी करेंगे। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, जिनके जरिए अलग अलग वर्ग और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों में रहने वाले जरूरतमंद आदि लोगों तक लाभ पहुंचता है। जैसे किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के जरिए उन किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। योजना के अंतर्गत 17 किस्त का लाभ किसानों को दिया जा चुका है, तो वहीं अब 18वीं किस्त जारी होने वाली है। ऐसे में इसका पूरा कार्यक्रम सामने आ चुका है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जारी होने वाली 18वीं किस्त का इंतजार लाभार्थियों को था, जो अब 5 अक्टूबर 2024 को खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी दिन पीएम नरेंद्र मोदी 18वीं किस्त जारी करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी भी अब सामने आ चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र के वाशिम से 18वीं किस्त हस्तांतरित करेंगे। वो डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में 18वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए भेजेंगे और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी योजना से जुड़े किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। ऐसे में बात कर लेते हैं कि कितने किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है। तो हर बार किस्त का लाभ करोड़ों किसानों को दिया जाता है, इस बार भी सरकार की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 18वीं किस्त का लाभ 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आइए अब आपको बताते हैं कि आपके अकाउंट में किस्त के पैसे आए कि नहीं, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको ये बता दें कि 5 अक्टूबर को किस्त जारी होगी। ऐसे में आपके बैंक खाते में किस्त आने का मैसेज बैंक और सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर ये मैसेज आपको प्राप्त नहीं होता है तो आप एटीएम जाकर या फिर अपने बैंक की ब्रांच में पासबुक की एंट्री करवाकर ये जान सकते हैं कि आपके खाते में किस्त के पैसे आए हैं या नहीं। आपको ये भी बता दें कि अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो किस्त का लाभ लेने के लिए आपकी केवाईसी का काम भी पूरा होना चाहिए। जिन किसानों ने इस बार भी ये काम नहीं करवाया है वो किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि किसान विभाग की तरफ से ऐसा पहले भी कहा जा चुका है कि अगर किस्त का लाभ चाहिए तो आपको ईकेवाईसी का काम पूरा कराना जरूरी है। ईकेवाईसी के अलावा किसानों की भू सत्यापन करवाना भी जरूरी है। इसके अलावा किसानों के बैंक खाते का उनके आधार खाते से लिंक होना भी जरूरी है और जिन किसानों ने ये काम नहीं करवाए हैं वो इस बार 18वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।